फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये एक लर्निंग पर्पज़ चैनल है जहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो भी डालते हैं और कुछ शेयर्स होते हैं जिनका एनालिसिस भी हम करते हैं। जैसे कि अभी हमने हाल ही में एक IEX का एनालिसिस और मरीन इलेक्ट्रिकल्स जो स्टॉक है इसका एनालिसिस किया है और हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार ये वाला ही वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपको आने वाले जो भी एनालिसिस वीडियोस होंगे, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरे चैनल का इंटरफेस है और ये गोल्डन बुल्स नाम से है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम डेली एनालिसिस वीडियोस जो है शेयर करते हैं और कुछ इंटरडे लेवल्स जो होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो भी हम शेयर करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आज हम बात करने वाले जो हैप्पीएस्ट माइंड जो शेयर है इसके बारे में, बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग में होगा शायद ये वाला। तो यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज है कि यहाँ से हम शेयर में जो रिट्रेसमेंट आया है तो इससे निकल जाए या रुके इसमें या कुछ एवरेज करे। तो इस शेयर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो एनालिसिस होने वाला है ये प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड जो है। बड़ी ही तगड़ी एक मैं कहूँगा कंपनी है अपने आईटी सेक्टर में। तो इसमें बहुत लोग फंसे हुए होंगे कि इतना अच्छा हमें रिटर्न दिख रहा था, अभी माइनस में दिख रहा है, माइनस चल रहा है। तो अभी अगर फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही कंपनी, लेकिन फंडामेंटल्स जो है आपको सिर्फ जो शेयर होता है उसका सिर्फ आपको ये बताएगा शेयर कितना स्ट्रांग है फंडामेंटली। बाइंग जो आपको करनी है वो आपको टेक्निकल्स देख के ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको बाइंग प्राइस नहीं बताते। तो मेरा जो एनालिसिस होता है मोस्टली प्राइस एक्शन के ऊपर होता है और टेक्निकल्स के ऊपर होता है, क्योंकि टेक्निकल्स ही हमें एंट्री और एग्जिट का पॉइंट्स बताते हैं। इसलिए मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रैदर देन फंडामेंटल्स। तो अगर देखेंगे ये मंथली का चार्ट है, अभी 2024 में इसमें कौन से टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और फ्यूचर में ये मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बुल रन आया था जिसका लगभग हाई जो था 1580 रुपये, इसने हाई लगा चुका है, ये हाई लगा चुका है। तो अभी ये करेक्शन फेज़ में है, तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पे ये कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, तो ये जो लेवल है 0.618 से लेके 0.5% का ये जो लेवल है, तो मतलब ये लगभग 50% के डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। और अगर ये जो डाउनफॉल था इसका, इसको अगर लोग देख के घबरा रहे तो घबराने वाली यहाँ तक मुझे कुछ बात नहीं लग रही है, क्योंकि ये 50-60% जो लेवल होता है रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची का एक जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, वहीं पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे, अगर ये जितना कंसोलिडेशन करेगा, अभी ये एक स्क्वीज पैटर्न बन रहा है जो कि एक ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा खासा मूव देता है। तो अगर देखेंगे तो ये स्क्वीज़ हो रहा है, ये स्क्वीज़ होते होते यहाँ पे आने के बाद में एक साइड में अभी ये मैं कहूँगा एक फटने के लिए तैयार है। तो ये पॉजिटिव साइड फटेगा या नेगेटिव साइड फटेगा ये आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा, लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये मंथली कैंडल अगर देखेंगे, यहाँ से जो मार्केट ने करेक्शन शुरू किया है, तो अभी ये जो ये पैटर्न होता है, ये कि क्लासिकल पैटर्न है, ये अभी लोज जो है फ्रेश लोज बनाना बंद कर दिया है। तो अभी यहाँ से ये बाउंस करना स्टार्ट हो चुका है अपर साइड के लिए। अभी देखिए बाद में तो ये जो ब्रेकआउट होगा तो बाद में सब न्यूज़ में आएगा कि अभी ब्रेकआउट हो गया, बाइंग लेवल आ गया, लेकिन ये जो एनालिसिस वीडियो है मैं बना रहा हूँ अभी 3 तारीख को,
3/1/2024 आप देख लेना इसको, जब ये एक मारबूजू कैंडल बनाएगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट का, चाहे वो डेली में हो, वीकली में हो, मंथली में हो, जब अच्छी खासी क्लोजिंग देगा इस लेवल के ऊपर 980 के ऊपर, तो सभी न्यूज़ में आ जाएगा अभी बाइंग प्राइस आ गया है। लेकिन मैं जो जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जो ब्रेकआउट होने वाला है उससे पहले ये वाला एनालिसिस होने वाला है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद में, जो ब्रेकआउट होने के बाद में होगा, जो इसी को एक्सप्लेन करेगा कि ये वाला वीडियो जो है मैंने इससे पहले ही बना दिया था। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे अगर किसी ने इस वाले पॉइंट पे अगर किसी ने ख़रीदा होगा या इस पॉइंट पे ख़रीदा होगा और जो अभी माइनस में चल रहा है, तो इनके उनके लिए जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो एवरेजिंग आप कर सकते हो। और आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, अगर इसको नीचे ही जाना है यहाँ से ब्रेक डाउन करके, तो आपको कम से कम 760 का जो लेवल है वहाँ तक वेट करना चाहिए। अगर 760 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप इससे एग्ज़िट हो सकते हो। तो इसमें एग्ज़िट लेके आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट एंट्री के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो है आप एग्ज़िट करनो मत, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये और भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ करेक्शन फेज़ है इसका। कुछ कंपनी में इश्यूज होंगे शायद, इसलिए ये ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये AI में भी काम कर रही है, जो कि फ्यूचर होगा अपने IT स्टॉक में। ये स्टॉक का जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा, ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। हाँ, कुछ कंपनी के रिजल्ट कभी ख़राब आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो चुकी है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और एक ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म की परस्पेक्टिव से अभी जिनको फ्रिज बाइंग करनी है वो इस प्राइस पे बाय कर सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो शेयर प्राइस जो है लगभग इसका 1580 से लेके 1600 रुपये इसका शेयर प्राइस है, लेकिन ये बहुत ही चीप रेट में मुझे लग रहा है कि मिल रहा है अभी इस टाइम पे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप रखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि इसका मैंने टारगेट निकाला हुआ है। ये भी फिबोनाची बेस टारगेट से, ये 1400 रुपये का ये टारगेट है, ये 1500 रुपये का टारगेट ही ये रिसेंटली टारगेट आएंगे। उसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म अगर आप 3 से लेके 5 साल तक इसको होल्ड करते हो, तो ये 2000 से लेके 2100 रुपये तक ये मैंने फिबोनाची के जो टारगेट्स निकलते हैं वो मैंने निकल के रखे हुए हैं। और अगर इसका हम इस तरह से अगर निकालेंगे फिबोनाची का एक और जो लेवल होता है, जो कि 0.618 से ये जो बाउंस किया है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर निकालेंगे तो ये वाले फ्रेश टारगेट जो है ऊपर की साइड में निकल के आ रहे हैं। और फर्दर अगर इससे भी ऊपर सस्टेन करके निकलता है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है कुछ आने वाले सालों में। तो ये पैटर्न जो है मैंने आपको पैटर्न तो एक्सप्लेन कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो कि किसी अच्छे स्टॉक में, IT स्टॉक में, क्योंकि अभी IT स्टॉक में बुल रन आना बाकी है, शायद अभी इस साल बुल रन आ सकता है, तो ये वाला जो शेयर है ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक हो सकता है आप सभी के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। और यहाँ पे जो है जिनको भी ऊपर की साइड में जिन्होंने भी लिया है और फंसे हुए हैं, यहाँ पे आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो, ये सजेशन रहेगा। यहाँ पे जब तक 760 के नीचे नहीं निकलता है तो एग्जिट नहीं मारना है। जब तक 760 के नीचे नहीं निकलता तब तक एग्जिट नहीं मारना है। तब तक आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जो ऊपर की साइड में लेके अभी माइनस में चल रहे हैं वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। और जो फ्रिज बायर है, जिनको फ्रिज बाइंग करनी है, तो वो सब लोग यहाँ पे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो। जितना आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे 800 से लेके 860-70 की रेंज में जितना भी मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा कुछ इस तरह से, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस तरह से कुछ अगर निकलता है यहाँ से,
तो इस तरह से आप इसे बाय कर सकते हो। ये पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट होने के रिटेस्ट के टाइम पे भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और इस एक्यूमुलेशन जोन जोन जो है इसका ये वाला, यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर होने वाला है, जो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ख़राबी है स्टॉक में। बस अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, और ये कंसोलिडेशन फेज़ कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन टेक्निकल अगर देखेंगे तो अभी तक ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है, जो कि ये इसका सपोर्ट जोन है 750 से लेके 800 का जो है, ये इसका स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार इसने बाउंस किया है, जो कि एक दो और ये तीन, ये तीसरी बार मंथली कैंडल ने बाउंस किया है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें संकेत दिख रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर साइड जा सकता है। अभी चलिए वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी अगर देखेंगे तो देखिए ये पैटर्न जो है बहुत ही प्यारा और क्लासिकल पैटर्न है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली में भी अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे ये गिरने वाला है और या और नीचे जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक RSI भी मैंने अपना प्लॉट किया हुआ है, एक RSI भी अगर देखेंगे आप तो इसका 50% के आसपास अभी RSI चल रहा है, और अभी डेली में अगर देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है ये वाला पैटर्न का, ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इस पैटर्न का भी अगर डेली में भी अगर अपन टारगेट निकालेंगे तो ये जो पैटर्न का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये इसका ऊपर की साइड में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर पैटर्न ब्रेकआउट करता है तो इसके रीसेंट टारगेट भी जो है वो निकल के आ रहा है कम से कम 1330 का, ये 1330 का टारगेट निकल के आ रहा है रीसेंट का। तो अगर देखो आपको लेना है तो हाँ, और ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ एक बार कि ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, ये कोई भी बाय और सेल का जो है ये रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं बोल दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, जो कि जहाँ तक मैं टेक्निकल सीखा हूँ उसका ये एनालिसिस है। मैं एक बार इस पे डाल देता हूँ कि मैं कौन सी तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब इससे जो है आप सभी को जब ये ब्रेकआउट देगा तो मैं बोल सकूँ कि मैंने ये वाला वीडियो जो है ये पहले से ही मैंने बना के रखा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे तारीख डाल देता हूँ, 3/1/2024 को जो है एनालिसिस वीडियो हमने बनाया था, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में ये आपको आसानी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना ही, यह था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का एनालिसिस। अभी फ्यूचर में हम कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है 2024 के लिए शेयर करने वाले हैं, कुछ एनालिसिस में लाने वाला हूँ, और कुछ शेयर और हैं जिनके एनालिसिस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।